जानते हैं स्कूल के बारे में, मदर टेरेसा, बताने की जरूरत नहीं है। 2010 जब हम लोगों ने 7 बच्चों के साथ शुरू किया, 7 स्टूडेंट्स वर देयर। नाम बताना चाहूंगा, कृषिका अग्रवाल, भव्य अग्रवाल, सोमेश शर्मा, प्रगति, शगुन, ये 5 बच्चे थे पहले ही मेरी स्कूल पे सबसे पहले आकर बैठे थे। थैंक्स टू देयर पेरेंट्स, उन्होंने ट्रस्ट किया। वो 5 बच्चों की शुरुआत आज यहाँ पर हमें यहाँ पर तक लेके आई। आज हम लोग 1200-1300 से ज़्यादा पेरेंट्स से मिले हुए हैं, 550 बच्चे हमारे पास हैं। मदर टेरेसा का नाम आप सब लोग यहाँ हैं ये अपने आप पता चलता है। थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो मदर टेरेसा स्कूल RBHC से एफिलेटेड है, ये सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। नर्सरी से 10th तक हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। हमारी स्कूल 3 बिल्डिंग्स में चलती है, वो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी प्लानिंग है। 1 सेक्शन इज फॉर नर्सरी KG प्रेप, 2nd सेक्शन इज फॉर 1st, 2nd, 3rd, एंड 3rd सेक्शन इज फॉर 4 to 10। 3 सेक्शन है हमारे। सिलेबस है हमारा काफी अट्रैक्टिव सा सिलेबस है, पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है। हमारे यहाँ लोमेन पियर्सन, ऑक्सफोर्ड, मैकमिलन, ब्रिटानिका, रत्ना सागर, ये सब लोग हम बुक्स यूज करते हैं। इन सब बुक्स को यूज करने का फायदा आप सबको पता है, हमारे बच्चे किसी भी जगह पे जाके कम्पीट करने को रेडी है। आज आप शहर में जाओ, हमारे बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल है। हमारे बच्चों को कहीं भी इंटरव्यू करवाओ, जयपुर हमारे बच्चे गए हैं, काफी बच्चों ने हमारे यहाँ सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया, नवोदय स्कूल में एडमिशन लिया, IIS में एडमिशन लिया, नीचा मोती में हमारे बच्चे इंटरव्यू के लिए गए, कहीं भी हमारे बच्चे पीछे नहीं हटे। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सिलेबस एंड बुक्स वी हैव चूजन। दूसरी चीज, हम लोगों का आपस में कम्युनिकेशन, हम पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। SMS हम लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पेज को लाइक करते हैं, डेली अपडेट्स हमारे शेयर कर रहे हैं। कुछ खास चीजें, नेक्स्ट स्लाइड मंगल, नेक्स्ट स्लाइड। मंगल जी नेक्स्ट स्लाइड, राइट वाला एरो प्रेस करो, राइट एरो। और नेक्स्ट यस, रोबोटिक वर्कशॉप। हमारे बच्चे ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल में। रोबोटिक्स की वर्कशॉप हुई, हमारे बच्चे घूमने गए, IT फीस उन्होंने देखा। यहाँ पे हम लोग जयपुर गए थे एक बार, वहाँ पे हमारे बच्चों ने रोबोट से बात करी, रोबोट के साथ डांस किया, नई नई टेक्नोलॉजी सीखी। मंगल जी एक लिंक है, उसमें क्लिक करो, ये वाले लिंक पे। नहीं, ये कुछ पिक्स हैं जो हम लोगों ने IIT फीस जयपुर में देखे, काफी हमारे बच्चे एंजॉय करके आए थे वहाँ पे। पुलिस बैंड का उन्होंने देखा, IT डिपार्टमेंट के हेड वहाँ पे हैं, रोड शोज उन्होंने देखे। ये जो आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे प्रोग्रामर्स एक साथ बैठे हुए थे, जो बच्चे हमारे साथ गए थे उन्होंने देखा कि कम से कम 3000 प्रोग्रामर्स एक साथ बैठकर प्रोग्रामिंग कर रहे थे। हमारे बच्चों को देखने को मिला कि कॉम्पिटिशन कितना है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। नेक्स्ट, ये सारे भी वहीं की पिक्स हैं। हम लोग जुडिशियल कोर्ट भी घूम के आए बच्चों के साथ, पुलिस स्टेशन गए, आमेर फोर्ट गए, टाइगर रिजर्व गए, डांस, ये सब तो चलता ही रहता है। एंटरटेनमेंट हमारे स्कूल में फुल है स्टडीज के साथ साथ। नेक्स्ट, ये कुछ इवेंट्स हैं, हमने परेड करी 26 जनवरी को, लीडरशिप है हमारी परेड में, हमने पहली बार परेड में पार्टिसिपेट किया और हमने वहां पे झंडे गाड़े, ये सारे बच्चे जानते हैं, सारे पेरेंट्स जानते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इवेंट्स हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ये हमारा बच्चों के साथ अटैचमेंट है, बच्चे आपके हैं बट स्कूल में आने के बाद हम लोग उनकी पेरेंट लाइक केयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से बच्चों के साथ फुल मस्ती करते हैं, पढ़ाई है बट मस्ती के साथ। नेक्स्ट, ये हमारी बिल्डिंग, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, 4 to 10, काफी सारे प्लेग्राउंड्स हैं, काफी सारा स्पेस है। नेक्स्ट, रिजल्ट्स,
किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास 2016-17 हमारा पहला बैच था इंग्लिश मीडियम में। हम लोगों ने पहली बार में शाहपुरा में सबसे ज्यादा परसेंटेज अचीव करी अंशिका अग्रवाल के साथ 92%। दिस वॉज द हाइएस्ट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम में होंगे 94 बट इंग्लिश में 92 वॉज द हाइएस्ट। नेक्स्ट है अंकित बैक करना। अंकित 90%, अनुष्का यादव 83.83। सात बच्चे थे हमारे पास, सिर्फ सातों बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए और काफी अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। प्रतीश, ये हमारा 8th क्लास का रिजल्ट है 2016-17। हमारे ये बच्चे रतीश, जितेंद्र सैनी, अंजलि मोरवाल और दिव्या अग्रवाल, ये बच्चे ऐसे थे जिनके पास सारे सब्जेक्ट्स में A+ रैंक थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट राइट, अब हम बात करते हैं 2017-18 की। इस साल भी हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। धीरज जांगिड शाहपुरा में स्कूल्स के लिए ओपन चैलेंज है। ये बच्चा 98% से अबव मार्क्स लेकर आएगा, दैट इज गारंटीड। उसके बाद हम बात करें ऋषिका, जानवी, दीपेंद्र, मेघना, मेहुल, नेहा, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 90% फ्रॉम ऑल दीज बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट 2017-18 अवनी अग्रवाल, सुरेंद्र देवेंदा, प्रगति, तनिषा सैनी, ओजस्वी, आर्या, विष्णु जाट, वी ऑल एक्सपेक्टिंग A+ रैंक फ्रॉम ऑल दीज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 5th क्लास का रिजल्ट, 36 स्टूडेंट्स हमारे पास थे, आउट ऑफ देम 36 में से 33 बच्चे ऐसे थे जिनकी A और A+ रैंक थी। दैट इज ऑल्सो एन ओपन चैलेंज फॉर ऑल स्कूल्स। हर स्कूल के लिए ओपन चैलेंज है, ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। इवांशी, शगुन, ओजस्वी, आस्था, ईश्वरजान, लोकेश, निशा, प्रांजल, प्रशांत, समृद्धि, सोहाग, अपेक्षा गुजर, अपूर्वा गुजर, दीज ऑल स्टूडेंट सिक्योर्ड A+ रैंक। A+ के बाद अगर मैं A रैंक की बात करूं, आदित्य पाराशर, आकांक्षा यादव, अक्षत दहिया, अंकित देवेंद्र, दीपक सारन, खिमांग मलय, मनीषा, मुकुल, मुस्कान, पुलकित, राजवीर, शाशा, सुनील, सूर्या सोनी, तन्मय अग्रवाल, तरुण कुमार तंवर, उमेश पलसानिया, वैष्णवी अग्रवाल, ये बच्चे ऐसे हैं जो कुछ हिंदी मीडियम से आए और A रैंक लेकर आए। नेक्स्ट, ऐसा क्या है जो हमें नंबर वन बनाता है? फर्स्ट चीज, एक्सेलेंट सिलेबस। जैसे हमने बात करी, सिलेबस हमारा बहुत अच्छा है, हम किसी भी से कम्पीट करने को रेडी है। एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीचर्स। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो शाहपुरा में काफी सारे स्कूल्स हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कुछ खुले, कुछ हमसे पहले थे, कुछ हमसे बाद खुले। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमसे पहले थे अच्छे हैं, जो हमसे बाद खुले वो बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमारे टीचर्स की वैल्यू बताई हमें। आज स्कूल आप कोई सा भी देख लो, हर स्कूल जो हमारे बाद में आया और अभी आया, सबको हमारे टीचर्स चाहिए, सबको हमारे बच्चे चाहिए। हर स्कूल को मदर टेरेसा के टीचर्स चाहिए, हर स्कूल को मदर टेरेसा के बच्चे चाहिए। हमारे साथ में ऐसे बात होती है तो टीचर्स बोलते हैं, सर फोन आ रहे हैं दूसरी स्कूल से फोन आ रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चों के भी फोन आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ यार ठीक है, टीचर्स ले लो, बच्चे ले लो, डायरेक्टर भी ले लो ना, मुझे भी ले चलो, मैं ही चला लूंगा। नेक्स्ट, अगर एक बार बैक करना मंगल जी, हमारे यहाँ PTMs, पेरेंट टीचर मीटिंग्स रेगुलर हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन में है। 100 सबसे खास बात, हम लोग सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग सिलेबस पूरा करवाते हैं 100% ऑन टाइम रिवीजन करवाते हैं। बाकी स्कूल्स में 100% सिलेबस पूरा नहीं होता, कुछ चैप्टर छुड़वाते हैं, कुछ टॉपिक छुड़वाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। और उस चीज का फायदा बच्चों को आगे डेफिनेटली मिलता है। क्लासेस रेगुलर होते हैं, बोर्ड क्लासेस, एग्जाम्स, अगस्त और सितंबर में हम लोग बोर्ड क्लासेस का सिलेबस खत्म कर देते हैं और उसके बाद ये रिवीजन चलता है। उसी का रिजल्ट है कि धीरे धीरे 98% को अप्रोच कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे, हम खुद से कंपटीशन कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था, हमें उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देना है, बस यही हमारा एकमात्र कंपटीशन है। किसी को मेरे टीचर चाहिए ले जाओ, बच्चे चाहिए ले जाओ।
जब तक मैं हूँ तब तक टीचर्स की प्रॉब्लम नहीं है और हम बेस्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट, प्री प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स आप लोग इंट्रोड्यूस हुए, मंजू मैम, रेखा सैनी, इंदु जगरवाल, नेहा खंडेलवाल, अंजलि बहवाल, तमन्ना, जया शर्मा। काफी सारे स्कूल्स बचते हैं कि टीचर्स से इंट्रोड्यूस मत कराओ, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे टीचर्स ही मेरी स्ट्रेंथ है। स्कूल्स हम लोग नहीं कंडक्ट करते, स्कूल टीचर ही चलाते हैं, तो इन टीचर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। टीचर्स हमारा सबसे बड़ा पावर है। नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्शन, श्रुति लाभी, सपना मैम, डिंपल शर्मा, आकांक्षा मैम, साइना मैम, दीपिका सोनी एंड संध्या सोनी। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी स्कूल की, कृष्ण कुमार शर्मा टेकिंग केयर ऑफ हिंदी, देवेंद्र चौहान, डीके सर मैथ्स ले रहे हैं हमारे यहाँ, श्रीराम सर एसएस आईटी एंड जीके, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, अभिनव सर संस्कृत ले रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह शेखावत बेस्ट इन इंग्लिश, मैरून साइंस, रूपेंद्र जंगीड एसएस, जितेंद्र शर्मा मैथ्स और हर्षद सर मैथ्स, दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर्स। नेक्स्ट, सपोर्टिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत सारे डेली ऑपरेशन है जो टीचर्स के आने से पहले शुरू होते हैं, जब मैं सो रहा होता हूँ मेरे टीचर्स सो रहे होते हैं सुबह ठंड में 6 बजे, तब ये लोग ऐसे हैं जो काम पे निकल चुके होते हैं। मैं 7:30 बजे उठता हूँ सर्दियों में, लेकिन मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ में विष्णु को देखो, गाड़ियां सब देखते हैं, विष्णु हमारे व्हीकल्स का मैनेजमेंट देखते हैं, और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। सो सारा क्रेडिट बच्चों को स्कूल लाने पहुंचाने और पढ़ाने का इनको जाता है। अब्बास, 8 साल हो गए अब्बास को मेरे साथ, है क्या अब्बास? अब्बास अगर है तो प्लीज आ जाओ, अब्बास को बुलाओ ना। ओम प्रकाश जी, दिनेश गोवर्धन जी, रामकिशन जी, सब गाड़ियां देखते हैं, सब लोग आपके बच्चों को बहुत ही प्यार से गाड़ियों में बिठाते हैं, लेकर आते हैं, बसेस चलाते हैं, और यकीन मानिए नर्सरी क्लास के बच्चों को इतने प्यार से हम लोग गाड़ियों में, बसेस में, टेम्पोज में बिठा कर लाते हैं कि पूछो मत, और बहुत ज्यादा केयरिंग है ये सब लोग, 8-8 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, तो अनडाउटली दे आर बेस्ट। नेक्स्ट, बच्चे हैं छोटे नर्सरी के जी प्रेप के, स्कूल आए वोमिट करी, पोटी कर दी, सूसू कर दिया, ये लोग देखते हैं। कमला जी, रानी भाई जी, मिल लो एक बार, आ जाओ। निर्मला भाई जी, ये सब लोग वो हैं जो छोटे बच्चों को आप लोगों से कहीं ज्यादा टाइम तक देखते हैं। घर पे आप शायद उनको 1 घंटा कंटिन्यू नहीं देते, पर जो बच्चे आपके स्कूल में नए आते हैं, हमारे ये लोग भाई जी लोग उनको 1-1, 2-2 घंटे अपने पास रखते हैं, तो हैट्स ऑफ, थैंक्स टू देम। नेक्स्ट, अभी हम लोग रमेश जी से मिले थे, हमारे पार्टनर हैं, बुक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, मनोहर बुक डिपो। नेक्स्ट, गणपति ड्रेसेस हमारे यूनिफॉर्म के सप्लायर हैं शास्त्री नगर में, आ नहीं पाए बिजी होने की वजह से, इसलिए मिलवाने से का। नेक्स्ट, थैंक्स, यहाँ सबको आने के लिए थैंक्स, प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए थैंक्स, मदर टेरेसा स्कूल को अनडाउटली नंबर 1 बनाने के लिए थैंक्स, आप सब लोग यहाँ पे हो उसके लिए थैंक्स, थैंक यू। और हाँ, अभी प्रोग्राम बाकी है, मेरे स्पीच के साथ प्रोग्राम खत्म नहीं है, जो सबसे धांसू वाले परफॉर्मेंसेज है वो तो अभी आने वाली है, तो प्लीज स्टे हियर एंजॉय, थैंक यू। सुसु कर दिया, ये लोग देखते हैं, कमला जी, रानी भाई जी, मिल लो एक बार, आ जाओ। निर्मला भाई जी, ये सब लोग वो हैं जो छोटे बच्चों को आप लोगों से कहीं ज्यादा टाइम तक देखते हैं, घर पे आप शायद उनको 1 घंटा कंटिन्यू नहीं देते, पर जो बच्चे आपके स्कूल में नए आते हैं, हमारे ये लोग भाई जी लोग उनको 1-1, 2-2 घंटे अपने पास रखते हैं, तो हैट्स ऑफ, थैंक्स टू देम। नेक्स्ट, अभी हम लोग रमेश जी से मिले थे, हमारे पार्टनर हैं, बुक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, मनोहर बुक डिपो। नेक्स्ट, गणपति ड्रेसेस हमारे यूनिफॉर्म के सप्लायर हैं शास्त्री नगर में, आ नहीं पाए बिजी होने की वजह से, इसलिए मिलवाने से का। नेक्स्ट, थैंक्स, यहाँ सबको आने के लिए थैंक्स, प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए थैंक्स, मदर टेरेसा स्कूल को अनडाउटली नंबर 1 बनाने के लिए थैंक्स,
आप सब लोग यहाँ पे हो उसके लिए थैंक्स, थैंक यू। और हाँ, अभी प्रोग्राम बाकी है, मेरे स्पीच के साथ प्रोग्राम खत्म नहीं है। जो सबसे धांसू वाले परफॉर्मेंसेज है वो तो अभी आने वाली है, तो प्लीज स्टे हियर, एंजॉय, थैंक यू।